गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तलवंडी। ये देवेंद्र हमारे साथ है। तो आज हम लोग जा रहे हैं अमृतसर साहिब गुरुद्वारा गोल्डन टेंपल में। तो सोनू पीछे बैठा है। हेलो जी। हेलो। और ये गाड़ी चला रहा है। मैंने बहुत गाड़ी चलाई और कल हम लोग पहुँचे थे रात को 12:30 बजे घर पे। तो हमारा हिमाचल का ट्रिप तो कंप्लीट हो चुका है। आज जो है हमारा है टिकट नहीं है। आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब मथा टेकने के लिए अमृतसर में। तो वहाँ जा रहे हैं तो आपको रास्ते में नज़ारे दिखाएंगे जी। ये देखो गांव हमारा। आज हम बैठेंगे, आज यही गाड़ी चलाएगा डीडी सिंह हमारा। डीडी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज सोनू से पूछा जाए कि कैसा है भाई। तो बता भाई। अरे बहुत 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 अच्छा है, बहुत अच्छा। किधर से आए? ऐसी बात कर रही है। ये साथ डीडी सिंह है जी। डीडी सिंह बड़ा प्यारा मुंडा है। मजा आ रहा है आज जाना तो। हाँ आज आराम ना बैठे करके। आज आराम से बैठा हूँ मैं। 8 दिन हो गए। शुक्रवार कैसे? मेरे 10 दिन से कंटिन्यू मैं कार ही चला रहा था ये। और पता है कितनी मस्त गाड़ी है। पेट्रोल की टंकी थी, लाइट जागी भरा आए थी। अही इन्ने दिनों तो पेट्रोल पाया, जो फिर पड़ा पहले पेट्रोल तो पड़ा ही पड़ा। गड्डी कैसे चलूगी? पहले ही आधा ढिड भर के आए हैं आज ही। सानू तुहानू जौड़ा पिंड दिखावांगे। साडा पिंड तुहानू राह च जौड़े फाटक भी आउणगे। जौड़ा फाटक, हां जौड़ा फाटक भी आएगा, रेलवे क्रॉसिंग। और जौड़ा गांव भी है, मैं आपको दिखाता हूं वहां पे जाके। ट्रेन जौड़ा तो पूछ के नागदी होता वो जौड़ा से पूछ के निकलती है भाई। हम जाके जाए कि ना जाए? हम कहते हैं जाओ तो फिर जाते, नहीं तो नहीं जाते भाई। क्या कहते हैं? ये पहुंच गए जी हमारा। ये पंजाब का एक गांव है कोटी सेखा। बराबर बराबर है जी। बराबर है। या वेलो पेंट देख लो जी। पेंट आ गया सामने पंप ते। हुण इहदे च पावांगे अहीं डीजल पेट्रोल। गड्डी च गड्डी पेट्रोल च पेट्रोल ही पावांगे। चल ठीक है वीरे, पेट्रोल पा लांगे। तू बाला किन्ना दा? तो इसमें पेट्रोल डलवा दिया। तो इसमें पेट्रोल डलवा दिया जी। पेट्रोल डलवा लिया ने अपने आप ही पवा लिया। ते आ सोनू भाई साहब देख लो जी, बस तू हिलाया ही कर हाथ को, है ना? क्या करेगा और बहुत कुछ है करने के लिए। काम धंधे कर ले। गुरसाहब बड़ी पिचरा जाया गया। गुरसाहब अपना है ना, काका अपना। अच्छा और की। सो लो जी हम लोग गुरुद्वारा साहिब एंट्री कर रहे हैं अभी। मतलब ये गुरुद्वारे की एंट्री है मेन अमृतसर की। ये इनका एंट्री गेट है। लो जी वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सो ये है जी अमृतसर सिटी। ये ब्रिज के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। एक होटल की ओपनिंग है, वहां पे बुलाया है हमको रिबन कट करने के लिए। नहीं जी मजाक कर रहे हैं। इसके कोई फ्रेंड की होटल की ओपनिंग है। होटल नहीं, सॉरी यार, इमिग्रेशन ऑफिस का। तो हम लोग वहां पे जा रहे हैं अभी। तो हमें जाना था अमृतसर। इसको बोला भाई हमें भी ले चले यार, हमें दर्शन करने हैं। मतलब हमें भी जाना था, इसको भी जाना था, पता दोनों को नहीं था। रात को इसको फोन किया कि कल अमृतसर चलना है। बोला मैं तो जा ही रहा हूँ। तो मैंने कहा हम सब साथ में ही जाएंगे। तो ये जो आगे आप कार देख रहे हो स्कोडा लॉरा, तो ये हमारे साथ ही है। तो इनकी ही किसी फ्रेंड की या इन्हीं के किसी की है जिनकी ओपनिंग है। तो इनके साथ साथ है, पहले वहाँ जाएंगे फिर उसके बाद गुरुद्वारा साहिब जाएंगे। हम लोग जो यहाँ पर आए हैं अमृतसर में, यहाँ पे आरएस ग्रोवर इमिग्रेशन का आज ओपनिंग है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। थोड़ा थोड़ा जरा मारती रहेगा। ये देखो जी देवेंद्र सिंह आज क्या क्या खाएगा आप देखो। इधर भी क्या माल वापस नहीं होना। आज चख लीजिए बर्फी।
तीन बंदे आप गुलाब जामुन लेंगे लाऊंगा नहीं खाऊंगा ये जी गुलाब जामुन है ना। हाँ हाँ तू लेगा गुलाब जामुन बस एक बहुत आप है चेको चम चलो सवेरे दोनों के दोनों समोसे नाल हरी चटनी पंजाब वाली या पंजाब वाली लाल चटनी सारा कुछ खाई जाता पता लगे तो फंक्शन भी आए फंक्शन चाहे हुए ही खाने पीने पकौड़े पकौड़े खा रही है। सो हमारे साथ है देवेंद्र सिंह डीडी सिंह सरदार जी साथ में देखो ये भाई साहब लगे हुए यहाँ पर ये बस हिलाते रहते हाथ अपना और इनको कुछ नहीं आता बाकी हम वो इस पे बता नहीं सकते। तो यहाँ पे कीर्तन हो रहा है जी हम लोग आए हैं और रिनोवेशन में इमिग्रेशन के ओपनिंग में जी हम लोग ये इसकी वजह से मैप की वजह से इतना गंदा फंसे हैं। एक बार लड़ाई भी होगी हमारी एक के साथ गाली गलौज भी हो गया और ऐसा फंसे हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हमको आधा घंटा हो चुका है ये गलियों के अंदर और छोटी छोटी गलियां अमृतसर की भाई फंस चुके हैं फुल लॉन वाला भाई गुरु। अच्छा मैं इसको देवेंद्र भाई साहब को ले आया नहीं तो पता नहीं क्या होता था मेरा आज सीरियसली ये कह रहा था आप लोग जाके आओ वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह गुरुद्वारा साहब मैंने लगता सामने देख गया जी वाह जी वाह। सो जी ये गुरुद्वारा है बाबा दीप सिंह मेरे शबील लगी है शबील ओ भरावा शबील मिल जूगी अज का वाहिगुरु। सो हम लोग पहुंच चुके हैं पार्किंग में ये गुरुद्वारा साहब का पार्किंग है तो यहाँ पे पार्क करके हमें चलते चलते जाना पड़ेगा जी गर्मी में गर्मी है जी कम से कम 38-40 डिग्री है। गुरुद्वारा जा रहे हैं जी बहुत गर्मी है और ये है मार्केट यहाँ का हम लोगों ने कार पार्क कर दिया है और अभी हम लोग चलते चलते जा रहे हैं हाँ मतलब चल नहीं रहे भाग रहे हैं हम ऑलरेडी बहुत लेट है क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा भीड़ मिल सकती है हमको भाज के चलिए जे तो इतना इन्नी भीड़ है कहाँ कि होगी मैं तो यही नहीं समझ आ रहा मास्क किसी के नहीं लगे ना साढ़े लगे गलों के बच्चे तो है मेरी जेब के बच्चे पिया वा मैं कट के ही पा लो जेब च अच्छा फिर ठीक है आगे गुरुद्वारा साहब शहीद बाबा दीप सिंह जी का वाहेगुरु वाहेगुरु। सो यहाँ पे बहुत भीड़ है भाई हम लोग अभी आगे आगे चलते चलते जा रहे हैं दोनों पीछे रह गए क्योंकि थोड़ा मोटा है ना क्योंकि देखो छोटे की बोतल के पीछे है बस आ चढ़ के देवेंद्र आगे आगे जा रहा है पंजाब की मार्केट कहने चौड़ा भी यार कटे दे दो कटे आज तीनों सो हम लोग अभी गुरुद्वारे में एंट्री हो चुके हैं ये हरिमंदर साहब गुरुद्वारा साहब ये दीवान हाल मंजी साहब बस बढ़िया से दर्शन हो जाए हमारे अब
वाहेगुरु। यहाँ से पैर धो के अंदर जाना पड़ता है। वाहेगुरु वाहेगुरु। सो गुरुद्वारा साहब पहुंच गए। सो यहाँ पे शबील का प्रसाद मिलता है जी ऐसे। चलो भाई। सो गर्मियों में यहाँ पे ये प्रसाद मिलता ही मिलता है जी। पूरी गर्मियाँ हर एक गुरुद्वारे में ठंडा पंजाब में इसको बोलते हैं ठंडा मीठा जल। सही गल है ना मेरे शबील, ठंडा मीठा जल शबील जो मैंने बहुत सालों बाद पी है। सोनू भाई साहब पीछे आ रहे हैं। धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद। सो हम लोग यहाँ पे हैं गुरुद्वारा साहब वहाँ पर है जहाँ पे हमें मेन मथा टेकना है। यह जी अमृतसर के सबसे मशहूर कुल्फी की दुकान। ये बाबा जी हैं, ये बाबा जी है जो इनकी कुल्फी की दुकान है अमृतसर में, अमृतसर के गुरुद्वारा जी के पास। वाहेगुरु। गुरुद्वारा साहब में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया बिकॉज वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं था। ये जो लड़कियाँ आती हैं ना वहाँ पे टिकटॉक बनाती है उनके कारण सबको प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए सबको रिक्वेस्ट है कि आप गुरुद्वारे जाके टिकटॉक वीडियो ना बनाएं, बाकी कहीं भी बनाएं। ठीक है जी। तो ये आप मार्केट देख सकते हो।